जी हाँ, और ऐसे खिलखिलाती स्किन के लिए आखिरी स्टेप होगा गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल आपके चेहरे के लिए वो मैजिक क्रिएट कर सकता है जो कि आप जितना भी प्रोसेस कर रहे थे उसके दौरान चाहते हैं। जी नहीं, घबराइए मत, वीडियो की शुरुआत ही है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं अगर आज की स्किन रेमेडी आप अपने लिए करते हैं तो। नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आप अपनी जुल्फों को, अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए ताकि जब हम प्रोसेस कर रहे हों वो आपको डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए मैंने हेडबैंड भी पहन लिया और जितने भी मेरे लंबे केश हैं उनको मैंने एक पिन से बांध लिया। स्टेप नंबर वन के लिए आप लोगों को अपना मुँह अच्छे से धोना है। जी हाँ, जिस भी फेस वॉश का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका ही इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद अच्छे से पैड ड्राई करके आप लोगों को लेना है घर पर बना हुआ मक्खन। जी हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप अनसॉल्टेड बटर भी लेकर आ सकते हैं और उससे ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, भले ही आप अच्छे से फेस वॉश करके और फिर ये प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसका एंड रिजल्ट देखेंगे, यानी कि जब हम अपनी स्किन को इसके बाद क्लीन करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन होने वाली है। क्योंकि अगर आप काजल का भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ काजल, बाकी कुछ नहीं, तो भी आप देखेंगे कि आपकी आंखों के आसपास से इतना डिपॉजिशन निकल रहा है कि आप बोलेंगे अरे हमने तो फेस वॉश किया था। जी हाँ, फेस वॉश करने के बावजूद कुछ बहुत ही माइन्यूट कण आपकी स्किन पर रह जाते हैं और वही वो कण होते हैं जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, क्लॉग्ड पोर्स, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए ये जो मक्खन वाला स्टेप है, आप देख सकते हैं स्किन पर ऑलरेडी कितना शाइन लग रहा है। एंड मक्खन एक नेचुरल वे है आपकी स्किन से हर प्रकार की गंदगी को प्रेम से बाहर निकाल देने का। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है और जब आप इसको रिमूव करने लगेंगे तो प्लीज़ एक बार वापस आके हमारे साथ बताइएगा कि आपकी स्किन में कितना डिपॉजिशन आपको दिखा। आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि बहुत सारा डिपॉजिशन होगा। इवन आफ्टर आप इसको नहाने के बाद कर लीजिए, आप इसको फेस वॉश के बाद कर लीजिए, पर ये मलाई जो होती है ये ऐसी चिकनाई होती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी आपकी स्किन पर जो है उसको ये हटा सकता है। आप प्लीज़ अपने फेस के हर कट और क्रिविसिस पर जाकर उसको क्लीन कीजिए, जैसे कि नाक के साइड में या लिप्स के अराउंड। हम कई बार इन जगहों को बस एक फ्री हैंड हटा देते हैं और वहाँ पर डिपॉजिशन रह जाता है। अब चेहरा तो अच्छी तरह से क्लीन हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब अगर आपके स्किन पर ऑलरेडी कुछ ऐसे डिपॉजिशंस हैं जिनके ऊपर स्किन की कवरिंग आ चुकी है, यानी कि वो आपकी त्वचा के अंदर परेशानी कर रहे हैं, तो हमें उनको ओपन करके बाहर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको चाहिए चावल, जिसको आप हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, हमें बिल्कुल महीन नहीं कूटना है, हम हल्का हल्का जैसे पाउडर्ड हो जाए, दैट्स ऑल। और उसके बाद उसमें आप हल्का सा हल्दी ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और इसको आप अच्छे से अपने चेहरे को मसाज करेंगे। देखिए, ये बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएशन है। आपको दिख रहा है कि मैं काफ़ी तेज़ी से कर रही हूँ, बट बिलीव मी, ये बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएशन है। यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल। आपके हाथों को आप बहुत स्ट्रांगली प्रेस नहीं करेंगे। आप जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं अपने चेहरे से रिलेटेड, मेक श्योर कि आप अपनी गर्दन पर भी करें, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली द पार्ट जो एक्सपोज ऑफ होता है अलॉन्ग विद द फेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएशन किया है। ये जो रेडनेस आप देख रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि उसके ग्रैन्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक टाल लिया है, इसको पानी में डिप करके मैंने ये पूरा का पूरा जो मास्क है जो चावल और कॉफ़ी का, उसको क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है। जब भी आप एक्सफोलिएशन करें, मेक श्योर कि आपकी स्किन पर आप किसी भी प्रकार का कोई हार्म ना करें, यानी कि रगड़े नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग रन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कुछ ऐसे निशान हो सकते हैं जो कि आगे जाकर जाए ही ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का फोर्स अपनी स्किन पर ना लगाएं। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब आपको करना है द लास्ट स्टेप। ऑब्वियसली गुलाब जल नहीं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप आपको करना है। आप लोगों को एक कंटेनर में लेना है दही। जी हाँ, अगर आपके पास योगर्ट है जिसमें पानी नहीं है तो दैट वुड बी ग्रेट। उसमें आपको लेना है अ लिटिल बिट ऑफ नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है हल्दी।
देखिए ये तीनों ही चीज़ें आपके ओपन पोर्स को बंद करने के लिए, जो कि एक्सफोलिएशन से, जो कि क्लीनिंग से खुल जाते हैं, इसके लिए काफ़ी कारगर है। आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को, इफ़ एट ऑल अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन कर दिया है, तो उसमें आपको हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मास्क कितना स्मूथली चेहरे पर ग्लाइड हो रहा है, क्योंकि ये आपके जो ओपन पोर्स हैं उन पर बहुत प्रेम से काम करेगा और उन्हें क्लोज कर देगा। ये जो आप देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में है, लेकिन जब आप करेंगे यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल, वेरी वेरी रिलैक्स्ड। आप एक्चुअल में इसको एज अ मसाज करते हुए अपनी स्किन पर छोड़ देंगे। जी हाँ, आपको इसे एकदम से नहीं धोना है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन पर काम करेंगे, जिसके लिए हमें उसे वक्त देना होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एकदम से इसे वॉश ऑफ नहीं करेंगे, अच्छे से मसाज करके और उसके बाद रहने देंगे। तो एक तरीके से ये मास्क का भी काम कर रहा है और मसाजिंग क्रीम का भी काम कर रहा है, एंड यू वुड सी कि आपकी स्किन आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही है। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के बाद अगैन टाल को डिप करके और अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, जब मैं इसको क्लीन कर रही थी, आई न्यू इट कि मैजिक हो चुका है, बिकॉज मेरी स्किन इतनी वाइब्रेंट लग रही थी, इतनी स्मूद लग रही थी कि जैसे मलाई के बाद तो चिकनाई फील होती है, इसके बाद ना तो चिकनाई फील हो रही है, लेकिन स्किन उतनी ही वाइब्रेंट, उतनी ही ग्लॉसियर और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एंड इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर इसको शेयर करने के लिए आई हूँ कि आप भी इसको अपने लिए डेफिनेटली ट्राई कीजिए। हम लोग हर दिन मेकअप करते हैं, काजल लगाते हैं, समथिंग और दी अदर, सनस्क्रीन तो हम हर ही दिन पहन रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस तरह की क्लेंजिंग हफ्ते में एक बार डेफिनेटली करिए, टू हैव द फ्लॉलेस स्किन फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपनी स्किन को हर वक्त क्लीन रखते हैं, रेजुविनेटेड रखते हैं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल उस पर करते हैं, बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी कि आपकी स्किन बहुत बहुत क्लीन है, बहुत रेजुविनेटेड है और बहुत ही हेल्दी प्रतीत हो रही है। सिर्फ प्रतीत नहीं, होगी भी हेल्दी ऑब्वियसली। तो आशा करती हूँ मेरे परिवार को समझ में आया है ये कितना पोटेंट प्रोसीजर है और इसको आप भी अपने चेहरे के लिए, अपनी स्किन के लिए डेफिनेटली करेंगे। जी हाँ, लास्ट स्टेप आप सभी जानते हैं क्या करना है। आप लोगों को गुलाब जल लेना है, विच इज़ अ डिस्टिल्ड वाटर, जो आपकी स्किन के लिए मैजिक करता है। जी हाँ, सो ऑल द वेरी बेस्ट ट्राइंग ऑल ऑफ द स्टेप्स स्टेटेड हियर, और अपने ब्यूटीफुल से रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव।